सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा शुरुआत में ही सबसे अधिक प्रयत्न लगता है, पर शुरुआत करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटी कदम से होती है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है दोस्तों, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। आज का पंचांग माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:31 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:31 से 4:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। अभी बनाए गए कनेक्शन जल्दी ही आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। आपका आकर्षण इस समय उच्च स्तर पर है क्योंकि आप अपने दोस्तों और परिवार की कंपनी का आनंद ले रहे हैं। बाहर निकलें और क्लब और ग्रुप्स का मजा लें। सौभाग्य भी इंतजार कर रहा है जिन्हें आप प्यार करते हैं, वही आपको प्रेरणा और सच्ची राय का स्रोत है। इस आरोप पर नाचने वाले लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और परिवार के साथ व्यतीत करें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके खराब विचार पहुंचा सकते हैं। अच्छा, आपका ध्यान पूरी तरह अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित रहेगा तथा अपनी योग्यता द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम भी रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आज राहत मिलेगी। आय का भी कोई नया स्रोत बन सकता है। आज मन पर उदासीनता बनी रहने की वजह से किसी के साथ भी संवाद ठीक से कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपके द्वारा बोली गई बातों की वजह से गलतफहमियां भी बढ़ने की आशंका बन रही है। परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, इसीलिए महत्वपूर्ण काम को शुरू ना करें। निर्णय लेते समय अधिक भावुक होकर निर्णय लेने से परहेज रखें। सावधानियां। कभी कभी आपका गुस्सा और जल्दबाजी आपके स्वभाव के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी इन कमियों पर सुधार लाएं। संतान से संबंधित किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय भाग्य आपके साथ है, इसीलिए जहां भी आप हाथ डालेंगे आपको सफलता ही मिलेगी। प्रेम के संबंध में बनने के लिए फ्लर्टिंग आज आपके काम आएगी और हो सकता है कि आपको कुछ रोमांटिक पल भी मिल जाए। आपके दोस्त या अंकल आपका पूरा साथ देंगे। अच्छा, आपका दिन बेहद शुभ है। अगर आप एक अच्छे दोस्त की तलाश में है तो आज ऑनलाइन किसी खास को ढूंढे। रास्ते में कोई पसंद आए तो उसे देखकर मुस्कुराएं या किसी अजनबी से बात करके देखें। भाग्य आपका साथ देगा। अगर विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे व्यतीत करें। बात करते हैं करियर की। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी समय उचित नहीं है। थोड़ा रुक कर और पूरी योजना के साथ इसकी शुरुआत करें, लाभ होगा। किसी समूह या क्लब में हिस्सा लेकर भी आप करियर या अतिरिक्त आय के बारे में मार्गदर्शन पाएंगे। आज चोरी या दुर्घटना से सावधान रहें। अच्छा, आपके व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है।
क्योंकि आपकी योजनाएं और रणनीतियां सही से काम नहीं कर रही। काम के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। कानूनी समस्याओं से आपकी व्यापार में समस्या उत्पन्न होगी। बात करते हैं सेहत की। आज आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, आपको बुखार या फिर दर्द हो सकता है। अपने आप को बचाने के लिए सावधानी बरतें। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो उसे लापरवाही से ना लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।